गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आर चैनल। और आज हम जा रहे हैं चंडीगढ़ फर्नीचर के लिए। आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हम फर्नीचर लेने चंडीगढ़ जाएंगे। सो अभी सुबह सुबह हमने सोचा कि आज निकलते हैं टाइम से। ब्रेकफास्ट कर लिया है हमने। नैना ने इतने बढ़िया पनीर के परांठे बनाए थे, वो हमने खा लिए हैं और नैना भी रेडी हो रही है। फिर से थोड़े बहुत पार्सल्स आए हैं, मैं सोच रहा हूँ इनको खोल दूँ जब तक नैना रेडी हो रही है। आपसे घर पे नहीं मिल पाई थी बिकॉज हमको आज टाइमली घर से निकलना था और टाइमली वापस भी पहुँचना है। और अभी हम आधा रास्ता आ चुके थे तो मैंने लंच बॉक्स खोला था, जिसके तहत तुमने अपने YouTube फैमिली से बात तो की नहीं आज। मैं कहा चलो ठीक है, मैं बात भी करती हूँ और खा भी लेते हैं साथ ही साथ। वैसे अब हम ना कोशिश कर रहे हैं कि घर का ही खाना खाए, बट जब भी हम ऐसा बोलते हैं ना कि घर का ही खाएंगे उससे ही अगले मन कर जाता है, अगले पल मन कर जाता है कि बाहर का कुछ खाना है। खा तो लो रजत, पहली तारीफ करने लग जाता है तो मुझे डाउट हो जाता है सच में अच्छा भी है कि नहीं। पनीर का वाव। हाँ। कब बनाया तुमने? सुबह। बड़ी देर था यार, ये तो मुझ पे गिर गया, सारा खराब कर दिया। टी शर्ट से खाना था, ढंग से खा रहा था, बट वो खाते खाते ना सारा मतलब बीच से स्टफिंग थी, मतलब उस पर केचप भी था, मुझे लगा इसमें केचप नहीं डाला होगा। ये तो सारा केचप ही केचप, मेरी बारी आ जाती। केचप मुझ पे आ गया। अब मुझे टेंशन हो रही कि ऐसे टी शर्ट में कैसे घूमूंगा, कुछ लेना पड़ेगा रास्ते में। थोड़ी देर में सूखेगा, ठीक हो जाएगा। अच्छा, ऐसी टी शर्ट, अब ये केचप का दाग तो धोकर ही जाएगा, आई डोंट नो धोके भी जाएगा कि नहीं। मुझे लगता है रास्ते में कुछ लेना पड़ेगा। अच्छा बहाना है वापसी आने के लिए जो ट्रैफिक है। ओ भाई साहब, कितना है ये। गर्मी होती है ना एक दो दिनों से, सब आना चाहते हैं हिमाचल। पर यार शिमला में भी अब गर्मी हो चुकी है। अब हम चंडीगढ़ एंटर कर चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि अब एसी चल ही नहीं रहे हैं यार, स्पीड बढ़ा दी है एसी की, फिर भी ऐसा लग रहा है कि बहुत गर्मी है। और एक शिमला था कि जहाँ पे माँ को अच्छा लग रहा था, प्लेजेंट आजकल वैसे शिमला का मौसम। गर्मी नहीं है, आग बरस रही है भाई। ये लो जी सामान, एज यूजुअल हमारी गाड़ी भर चुकी है सामान से। और तब लगता है कि कुछ काम हुआ है। और मैंने अपनी पानी की बोतल भर दी, तुम्हारी भी भरती हूँ दो। चलो, इतनी गर्मी लग रही है ना मैं कि भाई आग लगी और हम इस गर्मी में रजाइयां ले रहे हैं। वो भैया दिखा रहे मुझे कि क्वालिटी देखो कितनी अच्छी, बहुत गर्म है। मैं कभी तो बस छूनी भी नहीं है मुझे। यार तुमने कहीं पे भी ग्लास दिखनी चाहिए यार, वो वहाँ पहुँच जाता है। मेरी तो मतलब अति हो चुकी है। ये देखो रजत, किस लिए यार? यार अच्छे लग रहे हैं मुझे। घर पे दुकान चाहिए? नहीं नहीं यार, जब मैं चंडीगढ़ रहता ना तब से मुझे याद है कि एक जगह हम टॉवल्स लेते थे यहाँ पर, और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के टॉवल्स मिलते, तो वही लेने आया अभी। ये चार है ना, ठीक है आंटी, ये चार कर दो। कितने लोग दुकान लगानी है घर पे। टॉवल्स भी आ गए और अब चलो। चंडीगढ़ की एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है, हर सेक्टर में पार्किंग है, जहाँ जाना है जिधर मन है आपका जाने का जाओ, बढ़िया। और सिर्फ 14 रुपए में। एग्जैक्टली 14 रुपए में क्या होता है, मतलब इट्स लाइक नथिंग। पर हाँ ये जरूर है कि खुले 14 रुपए रखा करो ताकि फटाफट पार्किंग मिल जाए। जब ना आपके काम फटाफट होते खराब हो रहा है तो अच्छा लगता है। कभी टी शर्ट खराब हो रही है, क्या क्या क्या, कभी टी शर्ट खराब हो रही है, कभी शूज खराब हो रहे हैं। मेरे फेवरेट जूते हैं ये, और इनकी ना जैसे जिप है ना इधर दिख रहा है, हाँ। इस वाले की दूसरे की जिप खराब होगी। हाँ ये नहीं दिखने का। कोई नहीं, मैं अपने टेलर भैया को कह दूंगी दूसरी जिप लगाने को। चुप रहे, मुझे लग रहा है भगवान चाह रहा है कि मैं शॉपिंग करूँ। नहीं हाँ, पहले तुमको सुबह टी शर्ट के लिए हो रहा था, अब शूज के लिए हो जाएगा शाम तक। तो और क्या हो सकता है, मुझे तो ऐसा लगता है भगवान ही इशारे देता है जब कोई चीज की जरूरत होती है। अच्छा ये क्या कर दिया? ठीक करूंगा। वो तो ठीक है, पर तुमने हाथ गंदे कर दिए, जूता हाथ में पकड़ लिया। सैनिटाइजर गाड़ी में, और ये मेरे जूते हैं, साफ होते हैं। Oh my God. Yeah. ना गर्मी में वैसे सैनिटाइजर स्प्रे नहीं करते। क्यों? बट इतनी गर्मी नहीं। अरे इससे फायर हैजार्ड हो जाता है। क्या बात कर रहे हो? Of course. मुझे नहीं पता, इतनी गर्मी नहीं अभी। तो बाहर उतर के दूंगी, अब बाहर उतरना तुम तब दूंगी। थैंक यू नैना। लो थैंक यू, मैं भी खाऊंगा। थैंक यू। मेरा भी है। जब से चंडीगढ़ पहुंचे तब से कुछ खाया नहीं आज हमने, सो भूख सी लग रही थी, मैंने सोचा यार कुछ लाइट सा खा लेते हैं। तो हमने 10 स्टफ्ड गोलगप्पे लिए हैं, एक ही प्लेट लिए, दोनों शेयर करेंगे और थोड़ी देर के लिए पेट भर जाएगा। फिर जब सारे काम से फ्री हो जाएंगे उसके बाद देखते हैं, अगर टाइम लगा तो कुछ खा कर ही जाएंगे शिमला। पहली लड़की जो चम्मच से गोलगप्पा खाएगी। स्टफ्ड गोलगप्पे चम्मच से खाया जाता है। मैं तो चम्मच से खाऊंगा क्योंकि मैंने हाथ धोए नहीं है, सैनिटाइजर से ही साफ किया है, तो अभी वो साइकोलॉजिकली ऐसा लगता है कि वैसे तो मैं जान ही रही थी हम बाहर का कुछ खाए,
बट भूख इतनी लगी। तुम खा लो, मैं खा लूंगा बाद में। सो फाइनली हमारा फर्नीचर रेडी है। आपको अभी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा, आई डोंट नो कैसा लग रहा है, बट जब घर पे सेट हो जाएगा तो पक्का अच्छा लगेगा। हाँ, तो जी फाइनली हमारा सारा सामान हो गया है, सारा फर्नीचर का। मुझे सामने झूले दिख रहे यार, वो दिन याद आया। एक रोजी दी, यस रोजी दी और सार्थक भैया थे, शिवानी मेरी बहन भी थी और मेरी बहन। और मुझे बता दो, हम गोल गोल वाले झूले पे बैठे ना और शिवानी कहते नहीं मुझे उल्टी आ रही है, झूला रुको झूला रुको, और हमको झूला रुकवाना पड़ा। मतलब यार, और मुझे झूले में झूलने का इतना मन होता था। बट हाँ, तो सारा हो गया हमारा सामान, सब हो गया, पेमेंट्स हो गई। अब बस हमको थोड़ा इलांटे में अपने लिए गेम्स लेनी है, क्योंकि हमारे घर में कमी सी फील हो रही थी हमें फर्नीचर के अलावा, वो थी गेम्स की। क्योंकि हमको गेम्स खेलने का बहुत शौक है, जैसे कैरम तो मुझे नहीं पसंद है क्योंकि हरा देती है मुझे, बट डार्ट हो गया या ऐसी कोई माइंड गेम्स हो गई, तो वो सब लेनी है इलांटे जाके, फिर देखते हैं। चलो दिखा ना, मुझे लगा ये स्टैचू है, बट ये स्टैचू नहीं है, मुझे अभी भी स्टैचू लग रहा है। अच्छा, अमेजिंग, सही है, इतना मस्त स्टैचू, कूल ब्रो। ये पूनम आंटी, एक्चुअली हमको ये सब चाहिए था, तो आंटी कहती मैं फ्री हूँ और मैं तुम्हारे लिए ढूंढूंगा। मैं आपको बता देती हूँ, आंटी को जानते कैसे, शी वाज एंड इज वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स, बट सब्सक्राइबर टर्न इन फैमिली, वर्चुअल फैमिली से एक्चुअल फैमिली हो चुके हैं। सो इन्होंने हमको कहा तुम चंडीगढ़ आ रहे हो, तो इन्होंने खुद ही हमें फोन करके कहा हम मिलते हैं। टेल द रीजन, बिकॉज रजस हैज अ रिजेंबलेंस टू माय सन, और उनके हैप्पीनेस मैंने रिजल्ट बहुत मिले, इसलिए आंटी रजत को ज्यादा प्यार करते हैं। नहीं हुआ, वेरी गुड। तुम फोर प्लस गेम्स खेल रही हो। बड़ा बच्चा है हमारे घर में। मजा आ रहा है बहुत, इस पे शिमला जाओगे? अभी मुझे और रजत को इतना मजा आ रहा है ये सब कुछ देखते हुए, हम सारी थकान भूल चुके, मन कर जा रहा है एक गेम देखे दूसरे गेम देखे, बस देखते ही जा रहा है। और अभी हमको वापस शिमला पहुंचना है, लाइक 800 भी बज चुके हैं। प्लीज कम टू द गेट, वी आर वेटिंग। रजत को बाहर निकालना मुश्किल हो गया। आंटी माइक पे अनाउंसमेंट कर रहे हैं, सुन भी नहीं रहे, बोल भी नहीं रहे। रजत देखो, मुझे तुम्हारे लिए पूनम आंटी माइक पे अनाउंसमेंट कर रहे थे, रजत कम वी आर वेटिंग। मेरे साथ धोखा हुआ है, शादी में मुझे एक बड़ा बच्चा मिला है, पति नहीं मिला। तुम वहां तक बिना गिरे पहुंच गए, तो हम ले रहे हैं। ओह माय गॉड, ये पहुंच गया। ओह गॉड, मैंने रजत से कहा था अगर बिना गिरे वहां तक पहुंच गए तो हम ले रहे थे। ले ही लिया था जब। मैंने सीख लिया 5 मिनट में। रुको। लास्ट वंस टू कम आउट। इसको बाइट किया इतने जोर से, मुझे लगा और ये तो देखिए मिट्टी का वो है, कुछ कंटेनर जैसा, उसके अंदर बटर है। और ये देखो लकड़ी है। क्या हुआ? Cheers! As usual, गाड़ी रिजर्व पे थी, अब मेरी लाड़ी भी रिजर्व पे। अभी बज रहे रात के 1:30 और हम चंडीगढ़ से थोड़ा लेट हो गए थे चलने को, थोड़ा या काफी लेट हो गए थे, बिकॉज डिनर करके चले थे। और उसके बाद थोड़ी देर हम पावर नैप के लिए भी रुक गए थे, बिकॉज नींद आ रही थी बहुत, हमने सोचा थोड़ी देर पावर नैप लेते हैं। अब जाके फ्रेश हुए हैं, अब 1.5 घंटे में हम शिमला पहुंच जाएंगे और जाके ऐसे सोएंगे ना, बट सुबह हमारा फर्नीचर पहुंच जाएगा 6-7 बजे तक, अगर उतना लेट भी रुक पाया वो ट्रक वाला जिसमें आ रहा है सामान। क्योंकि मैंने उससे रिक्वेस्ट किया था कि भैया थोड़ा लेट ही आओ सुबह, बट उनको ये था कि हम सुबह सुबह पहुंच जाएंगे क्योंकि वापस भी जाना था। नैना कार्ड दो भैया, वेट कर रहे हैं। नैना क्या हो गया? गाड़ी में तेल भर रहे, मुझे 5 मिनट मिले सुने तो। यार रात के 2:30 बजे भी शिमला इतना चमक रहा है, इससे पता लगता है कि यार पहाड़ों में कितनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। लेकिन ये सुबह भी तो खोल सकते हो ना तुम? मुझे अभी अपने रूम तक किसी से जाना है।
अब तुम्हारे रूम तक इतने हर्डल्स है ना कि बीच में रह जाओगे तुम, वहां पर तुम उस इंसान के धक्के के साथ चल रहे थे। इट वॉज नॉट यू, इट वॉज हिज एफर्ट्स। मेरा नाम रजत, रजत, ओके? अच्छा, मैं बर्तन धो लिया करूंगा इस पे चढ़ के, यहाँ से धोए यहाँ को लाए, फिर तो भी सॉल्व कर सकता हूँ मैं। ओ रजत, अगर ऐसा था तुम पहले बताते मुझे, हम और भी ऐसी ऐसी चीजें ले लेते। गुड मॉर्निंग। रात को हमने बताया था कि हम 3:30 पहुंचे थे, तो आके मतलब सोते सोते 4 बज गए थे, और अभी सुबह 6:30 ये फर्नीचर लेकर पहुंच गए हैं। अब यार बिल्कुल हिम्मत नहीं थी उठने की, ऐसा मन था भी सोना था, बट अब ये आ गए हैं तो अभी ये सामान अनलोड कराते हैं और इसके बाद में फिर सो जाऊंगा। फिर पर सामान अनलोड करके सारा सेट करना पड़ेगा, तो मतलब अभी तो इसी में टाइम निकल जाएगा, बट ठीक है यार, अब कर लेते थोड़ी मेहनत, आज इतने दिन से वेट किया इस चीज़ का। चप्पल ले ही आते अंदर धक्के देना, छोटी हाइट का फायदा, अंदर घुस के सफाई हो रही है प्रॉपर। अभी हमने थोड़ी देर पहले शिफ्ट 2 कंप्लीट करी है सो के, बहुत थक गए थे यार, मतलब अब ऐसे लग रहा है ज्यादा ही रेस्ट कर लिया। हाँ, वैसे लग रहा है ज्यादा रेस्ट कर दिया, तो हम सारा सामान सेट कर रहे हैं और सफाई कर रहे हैं, क्योंकि धूल इतनी हो गई ना जैसे सामान घर में आया, वैसे लग रहा है पहले तो सफाई करनी है उसके बाद चीजें सेट करेंगे, और फिर यही पता चल रहा पहले चीजें सेट करें या सफाई करें। हाँ, क्या करें? बट अभी जैसे भी हो रहा है हम कर रहे हैं, और अब भूख भी लगी, कुछ बनाना भी है। ओह गॉड, तो साफ सफाई तो अभी ऐसी ही चलती रहेगी, और थोड़ी बहुत हमने सेटिंग कर ली है, पर थोड़ी बहुत ही की है, अभी मेजर पार्ट तो रहता है करने के लिए, वो भी कर ही रहे हैं। ये सब हम क्यों इतना जल्दी जल्दी में कर रहे हैं, बिकॉज हमारे घर गेस्ट आने वाले हैं, और हमारे गेस्ट है रूपदी और अप्पू जीजू, तो हम चाहते हैं उनके पहुंचने से पहले हम सब कुछ कर ले, थोड़ी देर में वो पहुंचने वाले ही होंगे, और क्योंकि रूपदी आ रहे हैं तो मैं सोचूं कि घर पे ही ब्रेड बेक करते हैं, वो बहुत पसंद करते हैं घर पे बेक की हुई चीजें। सो अब मैं थक गई हूँ, पता नहीं चल रहा क्या हो रही, सब मैं फटाफट से किचन में जाती हूँ और ब्रेड बेक करती हूँ। ब्रेड बन गई है, सुपर मॉइस्ट, वाह नैना, ये कहाँ से मिला? मुझे लग रहा था गिरने का शॉट आ जाएगा मेरा। घर टूट गया, घर टूट गया, स्क्रैच आ गए नैना, अच्छी क्वालिटी की चीजें लगाई है, कितना इजी है यार, मुझे तो आता है। चल घूम लिया नैना ने, चल इधर 360 घूमो, चलो तुम घूम जल्दी, पहले तुम घूमो, आगे आओ, फ्रंट स्टॉप, बैक स्टॉप, तू ना ऊपर सीधी तो रहे, खड़ी तो रहे, सीधी रहे, बस पांव करने हैं, पांव से कर सारा कंट्रोल, और खुद सीधी रहे, सांस ले, नहीं रोकना है, लगता है सबके सुखता है। वेरी गुड, वेरी गुड, स्टॉप 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 स्टॉप, इट्स नॉट सुनता थोड़ा है वो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, उतरना चढ़ना भी सीखो, उतरो, एक पांव उठाओ, उठाओ, गोल्डन शॉट मिल गया, सब कट हो जाएगा, जी फंस गई आपकी, सांस ले सकते हो, वाह, proud of your berries, so cool, it's so not cool. That difficult, even I did it. शक्ल दिखा तो अपनी है वो वाली, मेरे पास वो भी क्लिप्स है जिसमें तेरे आंसू निकल रहे हैं। आ गया, आ गया।
यार हमने आज बहुत मजे किए, इतने दिनों बाद इकट्ठे हुए थे हम चारों। अब आने वाले दिनों में आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलने वाली है देखने को, तो हमारे ब्लॉग ज़रूर देखें। अभी हम डिनर करते हैं और सो जाते हैं, तब तक के लिए आपको गुड बाय। और आप लोग हमारे ब्लॉग्स को शेयर करिए, लाइक करें और बहुत सारा प्यार दो और बहुत सारे कॉमेंट्स करो। बाय बाय, गुड नाइट।